नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं अग्नि मिसाइल के बारे में। साथियों, अग्नि मिसाइल की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। साथियों, बात आई है अग्नि मिसाइल के बारे में, तो हम देखेंगे इसका बेसिक नॉलेज। इस प्रकार से भारत का मानचित्र है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल की धड़कन दिल्ली, और दिल्ली में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। आप जानते हैं डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ सबसे बड़ा संगठन है जो अग्नि क्षेत्र में काम करेगा, मिसाइल के बारे में काम करेगा। गोला बारूद फैक्ट्री का स्थापना करने का काम भारत देश का डीआरडीओ करता है। साथियों, डीआरडीओ ने अलग अलग प्रकार के मिसाइल बना के रखा हुआ है, जैसे आप जानते हैं। देखना यहाँ पर, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारत देश की पहली मिसाइल का नाम क्या था, यहाँ समझेंगे। साथियों, यहाँ पर भारत देश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिसाइल है। जैसे एक है यहाँ पर पृथ्वी, दूसरी साथियों अग्नि, फिर है आकाश, फिर साथियों नाग, और उसके बाद आएगा त्रिशूल। तो आकाश, त्रिशूल और नाग, इस प्रकार से 5 प्रमुख मिसाइल है। यहाँ पर देखना, भारत देश में देश की पहली मिसाइल, पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो पहले साथियों, भारत देश का पहला प्रक्षेपास्त्र 1988 में बना हुआ था, इसका नाम था पृथ्वी। तो देश की पहली मिसाइल का नाम पृथ्वी है। इसका निर्माण साथियों 1989 में हुआ था। आकाश का हुआ है 1990 में, साथियों त्रिशूल का हुआ है 1991 में, और नाग का हुआ है 1995 में। साथियों, नाग मिसाइल भारत देश की ऐसी मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ, जैसे क्या होता है पता है, नाग मिसाइल में जैसे एक मिसाइल भाग रही है उसका पीछे कर गई है। नाग, नाग कैसा होता है, मान लो नाग जो है, नाग पागल हो गया है और आपने नाग को छेड़ दिया है। नाग, किंग कोबरा, करेत, पाइथन, उसको छेड़ दिया आपने नाग को, किंग कोबरा को, तो वो दौड़ेगा आपको पीछे। आप भागो, जहां भागोगे वहीं दौड़ेगा। बस सेम वैसे ही, जैसे आप भागेंगे नाग दौड़ेगा, वैसे ही ये दौड़ता है पगला, ये जो है नाग ये खूब दौड़ता है। जहां तक भागेगा आप वहां तक दौड़ेगा, यानी जो मिसाइल जहां भागेगी उसके पीछे पीछे ये दौड़ेगा, और वहां तक दौड़ते आएगा जहां तक कि जो मिसाइल सामने वाला जो है वो न सपड़े। जैसे ऐसे भागेगा वो भी ऐसे दौड़ेगा, ऐसा कटेगा तो वो भी ऐसा कटेगा, जहां जाएगा आसपास वहीं दौड़ेगा। ये बड़ा समझदार पढ़ लिखा तस्वीर पास है नाग हमारा भारत देश का। डीआरडीओ ने बना के रखा है इसको, बोले भैया तू तो बिल्कुल ऐसा करना, एक बॉल भाग रही है, जहां जहां बॉल भाग रही है फिल्टर वहां दौड़ रहा है। बस एक बैल भागा, बैल को पकड़ने के लिए आदमी दौड़ रहा है, जहां जहां बैल भाग रहा है वहां आदमी दौड़ रहा है, बस ऐसा था। ये नाग है, समझदार है, पढ़ा लिखा दसवीं पास है। तो क्या हुआ पता है, 1995 में शुरुआत हुआ था। तो देश की पहली मिसाइल का नाम पृथ्वी है, दूसरी मिसाइल, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से याद रखना। तो यहाँ पर जो है अग्नि, अग्नि वन, जो अग्नि वन है इसकी रेंज कितनी थी, 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। अग्नि दो का 2000, अग्नि तीन का 3000, चार का 4000, मतलब पढ़ लिखा पास है, समझदार है। अग्नि वन का 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके। साथियों, अग्नि फाइव, जो अग्नि फाइव है, अग्नि फाइव की हो जाएगी 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल। अग्नि फाइव का प्रक्षेपण 2021 में किया है, किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। कहां से किया हुआ है, तो साथियों सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल को हम अग्नि फाइव मिसाइल कहते हैं। और ये कहां से किया है साथियों, देखना इस प्रकार से भारत का मानचित्र है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा। पता है आपको, एक होता है सेटेलाइट, सेटेलाइट आप छोड़ोगे तो सेटेलाइट जहां से छोड़ते हैं साथियों वो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड केंद्र, इसको बोलते हैं श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा बोल देते हैं इसको, सहार केंद्र, सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड रेंज, याद रख लेना। उसके बाद में और भी आप समझेंगे यहाँ पर, एक तो हो गया आपका सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड केंद्र, दूसरा इसी का नाम होता है सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड केंद्र, श्रीहरिकोटा। तो दूसरा यहाँ से छोड़ते हैं हम लोग आसमान में सेटेलाइट, और यहाँ छोड़ते हैं हम लोग उड़ीसा में है चांदीपुर, सोना चांदी च्यवनप्राश, चांदीपुर। जो चांदीपुर है, चांदीपुर में व्हीलर द्वीप था, यह व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर 2015 में भारत देश के एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम द्वीप कर दिया गया है, याद रखेंगे आप चांदीपुर का नाम बदलकर कलाम द्वीप। अच्छा ठीक है, यहाँ हो गया कलाम द्वीप। अब यहाँ समझेंगे आप, एक तो हो गया कलाम द्वीप, तो 2021 में
एक जो है अग्नि फाइव का प्रक्षेपण 5000 किलोमीटर किया हुआ है, व्हीलर द्वीप से किया है, कलाम द्वीप से किया है। साथ ही हुआ क्या था आप देखना, इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश यहाँ पर है, तमिलनाडु यहाँ रामेश्वरम है, रामेश्वरम में धनुषकोटि गांव है। इस धनुषकोटि गांव में 15 अक्टूबर 1931 को भारत देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था और इनका निधन हुआ है साथियों 27 जुलाई 2015 को। कहाँ पर हुआ है पता है, यहाँ से गए थे ये मेघालय और मेघालय में जाकर के, मेघालय शिलोंग आईआईटी में जाकर के इनका निधन हो चुका था, अटैक आ गया, बेचारे समाप्त हो गए। तो इनका निधन हुआ, तो निधन के बाद में एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से कलाम द्वीप कर दिया गया है। साथियों ये बताइए मुझे, क्वेश्चन आपके सामने है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते थे, कहां से इनका नाम पड़ा है, सुनिए मेरी बात। क्या हुआ था 1983 का समय है, जब एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के निदेशक हुआ करते थे, उस समय क्या हुआ था, डीआरडीओ के माध्यम से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत किया था, इसका नाम था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983। और इसी के कारण साथियों भारत देश से मिसाइल शुरू हुई थी 83 और 88 में फिर आ गया पृथ्वी। तो 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रखा गया था क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम की यहां पर शुरुआत कर दिया था। उम्मीद करूंगा आपको समय यहां तक आ चुका होगा। और दूसरा एक तो हो गई है, दूसरा 2013 में अग्नि फोर के कारण एक महिला थी जिसका नाम है टेसी थॉमस, जो टेसी थॉमस है, इस टेसी थॉमस को 2013 में नाम मिला है मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वीमेन और मिसाइल मैन याद रखना। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक पूरा समय आ चुका होगा। तो ये थे साथियों अग्नि मिसाइल के बारे में और सारी मिसाइल इस प्रकार से काम करती है। अगला वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।